Hey guys, I hope and wish you all are doing great. Today I'm back with a very interesting topic. Today we are going to talk about the art and the beauty of posing, and especially about these two great posers in classic physique. Yes, Ralph Diesel and Logan Franklin. And there will be some honorable mentions as well. So please watch the video till the very end. And let's start the video without any further ado and welcome you all to my YouTube fitness channel, Game of Fitness Freaks. So guys, I hope आप भी मेरे से agree करेंगे कि posing भी एक art है and the beauty of this art was firstly displayed by the 70s, 80s and early 90s bodybuilders with the perfection. रीज़न शायद आप भी समझ सकते हैं कि उस टाइम के बॉडी बिल्डर्स के पास एक अच्छी सिमेट्री होती थी, एक डिसेंट फिजिक होती थी एंड मोस्टली 70s एंड 80s के बॉडी बिल्डर्स काफ़ी सिमिलर भी दिखते थे अपर बॉडी वाइज, काफ़ी अच्छी फिजिक होती थी बट उनके लेग्स उतने बड़े नहीं होते थे जितने कि लेट 90s एंड आज के बॉडी बिल्डर्स के होते हैं। उसके बावजूद उनकी फिजिक काफ़ी बेटर लगती थी कंपेयर टू द मोस्टली बॉडी बिल्डर्स इवन टुडे। एंड आपको उनकी फिजिक को देखकर कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि इस बॉडी बिल्डर की बॉडी में कोई लैकिंग पार्ट है। वो बॉडी बिल्डर्स काफ़ी हद तक एक बैलेंस्ड एंड परफेक्ट फिजिक लेकर आते थे। एंड आज के टाइम के बॉडी बिल्डर्स और उस टाइम के बॉडी बिल्डर्स में सिर्फ साइज़ का ही फ़र्क नहीं है बट पोजिंग का भी है। आज के बॉडी बिल्डर्स के साथ जो इशूज़ हमें देखने को मिलते हैं वो पहले नहीं मिलते थे, जैसे कि गट इशू। एंड आपको लगभग हर शो में एक या दो बॉडी बिल्डर्स के साथ गट इशू देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। गट इशू बॉडी बिल्डर्स के साथ आज के टाइम इसलिए भी देखने को मिलता है क्योंकि आज के टाइम साइज बहुत मैटर करता है, सिमेट्री एंड आपकी कंडीशनिंग सेकंड में मैटर करती है, पहले आपका साइज मैटर करता है। एंड उस साइज को बड़ा करने के चक्कर में बॉडी बिल्डर्स सब यूज करते हैं और एनी हाउ एट एनी कॉस्ट दे नीड दैट साइज। वो साइज गेन करने के चक्कर में अपने गट का भी साइज गेन करते हैं। एंड वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गट, देन रोनी कोलमैन का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने अपनी फिजिक को काफ़ी ह्यूज कर लिया था, टाइम के साथ उनकी फिजिक बहुत बड़ी हो गई थी, एट द सेम टाइम उनका गट भी काफ़ी बड़ा हो गया था। एंड आज के बॉडी बिल्डर्स काफ़ी हद तक अपने गट का भी साइज बढ़ा के चलते हैं बट स्टिल कुछ बॉडी बिल्डर्स ने साइज पर फोकस तो किया एंड साइज भी गेन किया बट उनके साथ गट इशू कभी देखने को नहीं मिला, जैसे कि जे कटलर एंड बिग रैमी। भले ही इनका मिड सेक्शन बड़ा हो बट इनके साथ बबल गट जैसा इशू देखने को कभी नहीं मिला। एंड आज के बॉडी बिल्डर्स कार्डियो भी बहुत करते हैं जो कि पहले के बॉडी बिल्डर्स नहीं किया करते थे, फिर भी हमें इनके साथ ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। एनीवे, कम बैक टू द पॉइंट, द आर्ट एंड द ब्यूटी ऑफ पोजिंग। आज के जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं और इनमें वो 70s एंड 80s वाली फील नहीं आती। वही 70s एंड 80s की फील को वापस लाने के लिए एक कैटेगरी क्रिएट की गई जिसे हम क्लासिक फिजिक कैटेगरी के नाम से जानते हैं, और इस कैटेगरी में ये फील काफ़ी हद तक आती है बहुत अच्छे से। आपको ये आर्नल्ड का फेमस पोज तो याद ही होगा 3x4, एंड इसी टाइप के ओल्ड स्कूल पोजेज हमें इस कैटेगरी में देखने को मिलते हैं जो कि इस कैटेगरी को काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक बनाते हैं। एंड आज के टाइम के बॉडी बिल्डर्स एंड क्लासिक फिजिक में एक चीज़ और है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। पहले के बॉडी बिल्डर्स एंड इवन 90s तक के बॉडी बिल्डर्स पोजिंग करते टाइम लेग्स को बिल्कुल ओपन नहीं करते थे, काफ़ी क्लोज रखते थे, एंड आज के टाइम ओपन करके पोज करते हैं जो कि इसमें पोजिंग को भी काफ़ी इम्प्रेसिव बना देता है। एंड आज के टाइम मेरे दो पर्सनल फेवरेट पोजर्स हैं इन क्लासिक फिजिक, रफ डीजल एंड लोगन फ्रैंकलिन। These two classic physique competitors have no match when you are talking about the best posing routines. Undoubtedly, they have wonderful physiques also, and at the same time, they have understood better than any and everybody the beauty and the art of this category and posing. They are phenomenal posers. सिर्फ फिजिक अच्छी नहीं होनी चाहिए बल्कि आपकी पोजिंग रूटीन भी अच्छी होनी चाहिए। एक शो को सिर्फ जीतने के लिए आपकी फिजिक मैटर नहीं करती बट आपकी पोजिंग रूटीन भी बहुत मैटर करता है। आप कह सकते हैं आपके 50% मार्क्स होते हैं फिजिक के, उसमें आपकी कंडीशनिंग, सिमेट्री, शेप एंड साइज आपका देखा जाता है, एंड 50% मार्क्स होते हैं आपके डिस्प्ले करने के। आप कितने अच्छे से अपनी फिजिक को ऑन स्टेज डिस्प्ले कर पाते हैं,
आपका पोजिंग रूटीन कितना इंटरेस्टिंग है, कितना डिफरेंट है। द वे यू पोज इट्स मैटर अलॉट टू विन अ शो। देखा जाए तो रफ डीजल एंड लोगन फ्रैंकलिन दोनों ही काफ़ी बड़े बॉडी बिल्डर्स नहीं हैं साइज में, एंड अकॉर्डिंग टू मोस्टली पीपल लोगन की फिजिक में कई वीक पॉइंट्स हैं एंड ही नीड्स टू फिक्स देम, बट व्हेन ही हिट पोजेस यू रियली कैन फाइंड एनी, क्योंकि इनका पोजिंग रूटीन ही इतना डिफरेंट एंड इतना अमेजिंग है। इनका वैक्यूम भी काफ़ी ऑसम है। ओवरऑल मुझे इनकी फिजिक काफ़ी वंडरफुल लगती है, एंड रिसेंटली इनका टेक्सस प्रो वाला पोजिंग रूटीन इतना अमेजिंग था कि इन्हें उस शो में उस पोजिंग रूटीन के लिए बेस्ट पोजर का अवार्ड मिला एंड रिवॉर्ड भी दिया गया। एंड वो पोजिंग रूटीन इतना परफेक्ट था, इतना यूनिक था, बहुत लोगों ने बोला कि इन्हें ही जीतना चाहिए था वो शो टिम्स की जगह। बट एनीवे वी आर नॉट हेयर फॉर दैट, एंड रियली इनका पोजिंग रूटीन सच में उस शो में काफ़ी अमेजिंग था एंड विदाउट एनी डाउट डिफरेंट भी था। रियली काफ़ी इंटरेस्टिंग फिजिक है इनकी एंड पोजिंग रूटीन भी। देखा जाए तो इनकी और टेरेंस रफिन दोनों की ही पोजिंग काफ़ी अलग है। रियली काफ़ी इंटरेस्टिंग फिजिक है इनकी एंड पोजिंग रूटीन भी। देखा जाए तो इनका और टेरेंस रफिन दोनों की ही फिजिक काफ़ी अलग है और सच में यूनिक भी, आपस में भी अलग है एंड अदर कंपेटिटर्स से भी बहुत अलग है, एंड दोनों के पोजिंग रूटीन्स भी काफ़ी डिफरेंट एंड यूनिक हैं। मैं बहुत पहले से लोगन फ्रैंकलिन की पोजिंग का फ़ैन हूँ एंड आई रियली लाइक हिम एंड आई रियली लाइक हिज पोजिंग एंड फिजिक बोथ। सो रिसेंटली इनकी एक पोस्ट पर मैंने कमेंट किया था जिसको इन्होंने लाइक भी किया, प्लस इन्होंने मेरी दो पोस्ट भी लाइक की थी जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड रफ डीजल के पोजिंग पर आते हैं। रफ डीजल की लास्ट ईयर पोजिंग भी हीरोइक एंड प्रेज वर्दी थी, तभी इन्होंने ओलंपिया में सेकंड प्लेस अपने नाम की थी। इन्होंने ब्रियोन को हराया। अगर साइज के पॉइंट से देखा जाए तो ब्रियोन एंसलिन से काफ़ी बड़े हैं, बट स्टिल वो थर्ड आए एंड रफ डीजल सेकंड, एंड इस प्लेस के लिए इन्हें कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं मिला क्योंकि ये डिजर्विंग थे। एनी एंड एवरीबडी नोज दैट हाउ इंस्पायरिंग हिज पोजिंग वॉज, एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग कि शायद ये नेक्स्ट ईयर मीन्स इस ईयर क्रिस बम्स्टेड को हराकर विनर भी बन सकते हैं, विच आई डोंट बिलीव टू बी हैपनिंग फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years, क्योंकि क्रिस की फिजिक और पोजिंग कहीं से भी वीक नहीं है एंड क्रिस की फिजिक मुझे परफेक्ट क्लासिक फील एंड लुक देती है, एंड इस साल इन्होंने इनसेन इम्प्रूवमेंट्स भी किए हैं अनडाउटेडली। एंड लेट्स गेट बैक टू रफ डीजल। इनकी वंडरफुल फिजिक एंड वर्थ वॉचिंग पोजिंग रूटीन की वजह से ये लास्ट ईयर सेकेंड पर थे। अब देखा जाए तो अच्छा पोजिंग रूटीन काफ़ी मैटर करता है। देखा जाए तो आर्नल्ड भी अपने टाइम में पोजिंग रूटीन पर काफ़ी काम करते थे, एंड आज के मोस्टली क्लासिक फिजिक कंपेटिटर्स सेम चीज़ें करते हैं, ये न्यू कोच को हायर करते हैं। लाइक हम देखते हैं लोगन फ्रैंकलिन अपनी पोजिंग रूटीन की प्रैक्टिस ली लब्राडा के साथ करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो क्लासिक फिजिक में और कैटेगरीज से ज़्यादा ब्यूटी एंड परफेक्शन भी है, एंड ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि क्लासिक फिजिक कैटेगरी इतनी पॉपुलर क्यों है, लोगों की इतनी फेवरेट क्यों और इतनी तेज़ी से कैसे ग्रो कर रही है। तो कमेंट्स में मुझे आप भी बताएं आपकी फेवरेट कैटेगरी कौन सी है और क्या आपको भी क्लासिक फिजिक के पोजेज अच्छे लगते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही था बेस्ट पोजिंग रूटीन्स का, एंड मेरे पर्सनल फेवरेट रफ डीजल एंड लोगन फ्रैंकलिन ही है पोजिंग में। एंड कुछ ऑनरेबल मेंशंस मैं वीडियो में करना चाहूँगा। क्रिस बम्स्टेड ये भी एक इनक्रेडिबल पोजर है, एंड तभी ये 2 times क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया है। ये ऑन स्टेज एक्सेलेंट पोजिंग के साथ आउटस्टैंडिंग फिजिक भी डिस्प्ले करते हैं, तो अनडाउटेडली ये भी एक अमेजिंग एथलीट है विद अ वंडरफुल पोजिंग रूटीन। नेक्स्ट इज अराश रेबर, ये भी एक बहुत अच्छे पोजर हैं, बट आई थिंक ये 2 साल से कम्पीट ही नहीं कर रहे हैं, ये इनका 3rd year है, बट स्टिल आज से रिमार्केबल पोजिंग है इनकी भी। हमने देखा है ओलंपिया में एंड आर्नल्ड क्लासिक में ये काफ़ी हाई प्लेस करे हैं, हमेशा top 5, top 3 में रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज कियोन पियर्सन। आई नो कि अब ये 212 में स्विच कर चुके हैं, बट स्टिल आई नो यू ऑल्सो रिमेंबर हाउ स्टनिंग ही लुक ऑन स्टेज। क्लासिक फिजिक में जब ये कम्पीट करते थे इनकी पोजिंग भी अनबीटेबल होती थी, इनका वैक्यूम भी सबको याद होगा, एंड स्टिल ही डज दैट वैक्यूम इन 212। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स
एंड अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो, वीडियो में अच्छी ना लगी हो, तो दिल से सॉरी। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको भी तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं करा कोई दिक्कत नहीं है, जब मन करे तब कर देना। एंड कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए शुक्रिया, खुश रहें, हेल्दी रहें। जय हिंद, जय भारत। गेम ऑफ फिटनेस फ्रीक्स साइनिंग आउट। We'll be right back.